हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी से, और कॉफ़ी मैंने बना ली है। और मेरी तबीयत कुछ सही नहीं होने की वजह आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हूँ, और रूम में भी पड़ा हुआ देखो मैं सारा। अभी वापस कॉफ़ी वगैरह पी के थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बैक पेन का काफ़ी इशू हो गया, और इतनी ज़्यादा बैक पेन हो रही है यानी मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, क्या पता क्या है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा कोई मेडिसिन वगैरह आज तो मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है। क्योंकि मैंने हॉट बैग से सिकाई वगैरह तो करी थी, पूरी रात सिकाई करी थी, पर तो भी सही नहीं हो रहा है, तो क्यों ना अब मेडिसिन ली ही जाए, लास्ट ऑप्शन ही मैं तो मेडिसिन को चुनती हूँ, बाकी जितने घरेलू उपचार हो सके उतने कर लेती हूँ। खाना खा लिया है, आज बनाई थी मक्की की रोटी और उड़द की दाल, और अब चलते हैं शॉप पर, क्योंकि आजकल हो रहे काफ़ी लेट। और इनको ठंड ही नहीं लगी इतनी ठंड होने के बावजूद, गाड़ी थोड़ी सी मिट्टी भर गई। वापस शॉप पर आ गई हूँ, और आज शॉप पर आ गए, कुछ अपने लिए ही शॉपिंग करी है, उसमें शॉपिंग की है एक तो ये स्टैंड वाला लूफा, एंड ये डिफेंडर की कार्ट्रिज, और ये इंटीमेट वॉश। तो ये तीनों करते हैं परचेज, और चिकू करेंगे पेमेंट। हाँ, तुमको ही करना है। मैं अंदर सैलून में जैसे ही आई, और मैं साथ में आज लेके आई थी जो चिकू ने कल रात को ऑयल बनाया था वो, तो इसके अंदर हमने निकाल दिया है। अभी मेरे बालों में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा विंटर की वजह से मुझे डैंड्रफ का इशू हो गया है, तो इसको ट्राई करते हैं कैसा इफ़ेक्ट करता है मेरे ऊपर। तो ठीक है, ऑयल वगैरह लगा कर फिर मिलेंगे। मेरे हेयर में ऑयलिंग हो गई है, बाल एकदम चिपको चिपको हो गए, और हमारे शॉप पर जो सैलून में हमको सबसे जो डिफ़िकल्ट काम पड़ता है उसका सोल्यूशन आ गया है। जो हेयर कटिंग करते हैं इसके बाद जो बाल रह जाते हैं, छोटे छोटे जो बाल सूखे इधर उधर 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 उड़ते रहते हैं, वो हम कवर कर ही नहीं पाते, वो झाड़ू से जाते ही नहीं है। तो उसके लिए हमने मंगवाया है ये वैक्यूम। तो अभी इस वैक्यूम को करती हूँ मैं अनबॉक्स। अरे चिकू, आना तो सही अंदर। अपने उधर साइड भी सारा अंदर फंसा हुआ कचरा है, तो वो इससे निकल जाएगा। पहले तो वायर जितना चाहिए उतना ले लेंगे, बस निकालना नहीं, निकाल देंगे फिर चलेगा नहीं। एक अपन को यहाँ साइड साइड में से क्लीन करना है, तो ये निकालना कैसे? ये यहाँ से इसको आगे ले ले, यही है ना यूज करने का। हाँ। नहीं, कोने के लिए क्या? कोने के लिए कुछ ऐसा पता है नहीं, नहीं यानी कोई ब्रशिंग करनी होगी इसलिए। हाँ, बाकी डायरेक्ट कर, डायरेक्ट कर लेना। वो वाली नोजल कम आएगी इसमें? ना वो नहीं है। हाँ, कितना कचरा निकला आप चेक करें, किसने निकलेगा इसमें? इसमें ये बकेट है, इसको ये पुश करके यहाँ से ओपन करेंगे, दबा इसको। अच्छा, ऐसे वहाँ निकले ना बाहर, यहाँ से खुलता है? नहीं, ये यहाँ से खुले ये। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, निकले ना, निकले बाल तो फुल निकला, कचरा कचरा निकला। हाँ,
फूल उगाने के लिए देख ना अंदर ये इतना कचरा था ऐसे ही फिर कितना कितना रहता होगा। और ये तो सिर्फ थोड़ा सा किया है, ट्रेलर है ये तो सिर्फ। अरे यार मेरे कपड़े कचरा थोड़ी है, अभी कोई ऐसे करते करते फांसी लग जाए तो निकाल दे, चुन्नी निकाल दे। अभी ऐसे बोल दिया जैसे जाजी को टेंशन। बाबड़ा ने कितना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। अब और देखती हूँ कितना कचरा निकला। निकला कैन कचरा। चिकू ने बहुत सही चीज मंगवा के दे दी है अपन को, अब अपना काम काफी ज्यादा इजी हो गया। थैंक्स थैंक्स, कमर बहुत दुख रही है यार। ठीक है ओके, तो अब मैं शायद हॉस्पिटल जा रही हूँ, बता के आती हूँ। जो मेरी बैक पेन हो रही है उसके लिए, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है। कैमरा वगैरह भी उठा रही हूँ, दुख रहा है बहुत भाई। वापिस इसके अंदर रख देते ना, स्टूडियो में रख देना ये अंदर। काफ़ी खुशी हुई, वैक्यूम कब से ज़रूरत थी मिल गया हमको। जल्दी अब तो इधर उधर जितने भी कचरा होगा सब निकल जाएगा। मैं आ गई हूँ आगे वाली शॉप पर, और आगे वाली शॉप यानी शॉप करो पर। तो मैं आपको आज बताती हूँ एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के हैं। अब मैं आपको इन सारे एसेंशियल ऑयल्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ब्रांड से हैं और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं। तो सबसे पहले हम टी ट्री की बात करते हैं, जो कि आपके आपने कल के व्लॉग में देखा होगा। चिकू ने एक टी ट्री ऑयल बनाया है कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके, जो कि डैंड्रफ के लिए है। तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये आपके बालों से डैंड्रफ और आपके बालों में लीक जू वगैरह जो भी पड़ जाती है ना, उसको हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ब्लैमिशेस को रिड्यूस करता है। हमारी स्किन या फिर बॉडी पर कहीं भी फंगल आ रहा है उसको भी काफ़ी जल्दी ये इफेक्ट करता है उसके ऊपर, क्योंकि ये टी ट्री ऑयल है। हमारे स्किन के ऊपर जो भी फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया है उसको रिमूव करता है ये टी ट्री ऑयल। और इसको आप किसी भी क्रीम के अंदर और या फिर किसी ऑयल के अंदर, आप स्काल्प में यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस ऑयल में ही यूज़ करोगे, पर वो कोई भी ऑयल मिक्स ऑयल ना हो, सिर्फ एक ही हो। जैसे कि ये कोकोनट है तो इसके अंदर आप मिक्स करके कर सकते हो यूज़, और वो भी ऑर्गेनिक ही हो, ये आप ध्यान रखें। और बेस्ट यही रहेगा कि आप ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ही यूज़ करें। तो टी ट्री का तो मैंने आपको यूज़ बता दिया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लेवेंडर के ऊपर। लेवेंडर ऑयल के हेयर के ऊपर जो बेनिफिट है वो ये है, ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है और हमारे हेयर को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और स्किन के ऊपर ये स्कार्स को और हमारे स्किन के टेक्सचर को बैलेंस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे फेस पर जो ड्राइनेस होती है उसको भी कवर करता है। तो इसके थ्री मैंने इसके आपको फेस पे और हेयर पे बेनिफिट बता दिए हैं। फेस पर आप यूज़ करते हो तो फेस क्रीम के साथ यूज़ करना है, और हेयर पे यूज़ करते हो तो हेयर ऑयल के साथ यूज़ करना है। डायरेक्ट हम इसको हमारे फेस पर यूज़ नहीं कर सकते या फिर बालों पर यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड आ जाता है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। ये हमारी स्किन के ऊपर काम करता है, स्किन पर हमारी जो स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल है उसको सही टोन में लाने के लिए भी बेनिफिट है। प्लस इसके अंदर एंटी रिंकल्स को भी ये हटाता है, जिसके फेस पर रिंकल्स फाइन लाइंस वगैरह आती है उसको भी रिड्यूस करता है। एंड हेयर के ऊपर ये हेयर रीग्रोथ में काम आता है, और हमारी बॉडी माइंड सोल पर ये डिप्रेशन को रिलीज़ करने में काम आता है। जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह रहती है, अगर फ्रेग्रेंस से भी हमारा डिप्रेशन जो है वो रिलीज़ होता है तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये हमारी स्किन के ऊपर काम करता है, हमारे डार्क स्पॉट को, ये हमारे फेस पर जो ब्लैमिशेज और डार्क स्पॉट्स हैं उनको बिल्कुल लाइटन करता है, और हमारे स्किन टोन को भी काफ़ी इवन करता है। और हमारे हेयर पर ये काम करता है, रीग्रोथ करता है हमारे हेयर को, या फिर हेयर लॉस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ एसेंशियल ऑयल पर, जो है जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। ये हमारे स्किन के ऊपर काम करता है, स्किन की जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी करता है। प्लस ये हमारे स्किन या फिर बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसको भी लाइट करता है, वो भी हम किसी ऑयल के अंदर मिक्स करके अगर यूज़ करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी लाइट हो जाएंगे। और ये हमारे स्किन के टोन को भी इन्हेंस करता है,
और हेयर के ऊपर जिसकी स्काल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है इससे। और बॉडी माइंड के लिए तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी ये बॉडी को एकदम रिलैक्स करता है, डीपली रिलैक्स करता है और लिफ्ट डिप्रेशन को हटाता है, प्लस हमारे जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। 6 हमारा जो एसेंशियल ऑयल है वो रोज़। इसकी जो गुडनेस है वो है स्किन के लिए, स्किन को ये काफ़ी काम, रिलैक्स और स्मूथ करता है। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है उसको एकदम स्मूथ करेगा और काफ़ी काम करेगा। और ये सबसे ज़्यादा यानी उसके लिए बहुत अच्छा है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और ये हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन को काफ़ी शाइनी और ग्लोई बनाता है। और ये बॉडी के लिए काम करता है फाइट टू डिप्रेशन, डिप्रेशन को भी ये रिलीज करता है। और ये हमारे माइंड से एंगर को हटाता है, यानी इसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे हमारा माइंड काम होता है जिससे हमें गुस्सा नहीं आता है। तो इन सारे एसेंशियल ऑयल का मैंने आपको बता दिया है क्या क्या बेनिफिट है और आपने आपके हिसाब से देख ही लिया होगा जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से कौन सा है। सारे एसेंशियल ऑयल्स में आपको जो भी परचेस करना हो आप शॉपकरों से परचेस कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी शॉपकरों का और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल करके भी आपका प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर सकते हैं। बस अब हो गया है मंगल करने का टाइम और आज ये सारे प्रोडक्ट डिस्पैच होने वाले हैं जो कि लोकल डिस्पैच हैं और ये तो मेरे घर का ही डिस्पैच है, तो अभी ये घर पे ले जाऊंगी, टिश्यूज़ ख़त्म हो गए इसलिए, और इन सबको जगह जगह पे पहुंचा देते हैं। शॉप से आ गई हूँ और अभी हमने जिस जिसका पार्सल था उसको डिस्पैच कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं आज फैमिली डिनर के लिए होटल, तो जनपद जा रहे हैं सब जने, रेडी हो गए अभी जा रहे कार में, मम्मी इधर गेट लॉक कर रहे हैं, चिकू और पापा ऑलरेडी कार में जाके बैठ गए और हम लोग अब निकलते हैं। और आज हम फाइनली फैमिली डिनर के लिए जा रहे हैं, फाइनली तो क्या जाते ही रहते हैं पर आज वहाँ थक भी गए थे, प्लस चिकू का आज बड़ा मूड था आज होटल जाने का तो प्लान हो गया बस। आ गए हम होटल पर, खाने में पनीर भुर्जी पिक्स, हम अब लास्ट आए थे पप्पा नाम तो बांधने से बैठे थे लेटे चट आइसक्रीम, सब जनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम ली है तो सब जने कौन खा रहे हैं अपने अपने फ्लेवर का। होटल से खाना खा के आ गए हैं हम लोग, लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई, बहुत टाइम के बाद मैंने आइसक्रीम यानी यहाँ पर खाई, बाकी हम अहमदाबाद गए थे तब खाई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इतने टाइम बाद फैमिली के साथ एक साथ खाना बैठ के एक साथ होता ही नहीं है क्योंकि हम लोग अब सब वर्किंग वाले हैं, सो सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है खाना खाने में, और खाना खाने के टाइम ही ऐसा रहता है सब जने इकट्ठे होकर बैठे बातें वगैरह हो, बहुत अच्छा लगा आज। और बस मैं यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से, ओके बाय।